नमस्ते दोस्तों, मैं आनंदी, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ बेबी केयर में। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे इलायची खाने से क्या आपको फ़ायदा मिलता है और आपसे किस समय खाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो सके। दोस्तों इलायची हर घर में सेवन होता है, उसका किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग चाय के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि लेकिन अगर आप रात को खाना खाने के बाद जब सोने जाते हैं तो सोने से पहले अगर आप दो इलायची खाकर गर्म पानी पी लेते हैं तो इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम उसी के बारे में आपसे बातें करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपका पेट अगर निकला हुआ है, जैसे जिन लोगों को चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो उन चर्बी को गलाने के लिए, अपने पेट को अंदर करने के लिए आपको इलायची का सेवन करना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप इलायची का सेवन रात में दो इलायची खाकर गर्म पानी पी लेते हैं तो इसमें आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन और विटामिन सी मिलती है, जिसे आपकी बॉडी के अतिरिक्त चर्बी को पिघलाकर अंदर करने में काफ़ी मदद करती है। दोस्तों इसमें मौजूद जो फाइबर और कैल्शियम है वजन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं, इसलिए इलायची को खाकर गर्म पानी पीने से आपकी चर्बी बहुत जल्दी गल जाती है। आपको दूसरा पॉइंट बता रही हूँ कि इलायची में मौजूद फाइबर आपके दिल को भी सेहत बनाने के लिए काफ़ी मदद मिलती है। इलायची में पोटेशियम भी होता है जो आपके हार्ट अटैक करने में काम करता है। इलायची में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। और दोस्तों अगला मैं आपको बता रही हूँ, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कमजोरी महसूस होती है या उसे चक्कर आता है तो उस व्यक्ति की रात में सोने से पहले दो इलायची खाकर गर्म पानी पीने से उनके शरीर में जो कमजोरी है वो भी दूर हो जाती है। दोस्तों आज की हमारी छोटी सी अपडेट आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं मिलती हूँ किसी अलग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।